भारतीय सवर संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशल प्रसव उपाध्याय द्वारा आज नगरपुर साइनी गांव इसके कुमाता वैष्णो देवी धाम के निकट बने राजा रताल चौकी के समय पेज के नीचे फैल रही गंदगी को लेकर आज अपनी टीम के साथ जाकर गहरा क्रोध व्यक्त किया है। उनके द्वारा कहा गया कि इस ब्रिज के नीचे से हमारी माता कहीं यहाँ बने वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए जाती है और इसी मार्ग पर उस विख्यात बाबा कुदेव करोदी का परिवहन मार्ग है। उसके बावजूद भी चाहे वह PWD विभाग हो या प्रकाश प्राधिकरण हो, प्रशासन को मिलकर यहाँ से गंदगी को खत्म करना चाहिए जिससे यह मार्ग सुंदर और साफ दिखाई दे रहा है। वन फासी वाली पुलिस चौकी के द्वारा ब्रिज के नीचे लावेस एवं मुकदमा पंजीकृत वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। उसके लिए भी उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खाली कराकर साफ सुथरा व सुंदर बनाया जाए। इस मौके पर उनके साथ यातायात अफसर कई समाज से भी मौजूद रहे। देखिए फिर जवाब से सुनील कुमार की रिपोर्ट स्केच न्यूज। गंदगी का पूरा साम्राज्य है ना, बहुत जरूरी है। ये जूम करके दिखाओ, ये रोड है बिल्कुल जाम है, इधर दिखाइए, इसे देखिए, बारीकी से देखिए, जूम करके देखिए, ये गंदगी देखिए। ये कोई कहेगा वैष्णो धाम का पवित्र स्थान, यहाँ पर तमाम धार्मिक श्रद्धालु आते हैं। इधर देखिए, ये राजा के साथ चौकी है, इधर और दिखाइए, इधर पूरा निरीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ की गाड़ियाँ ये गंदगी देखिए। मैं कौशल किशोर उपाध्याय, भारतीय सवर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, किसान यूनियन भानू का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और व्यापार मंडल का जिले का महामंत्री हूं। मुझे कष्ट होता है सवर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, सफाई हमारे संस्कारों में भरी हुई है, लेकिन अच्छे समाजसेवी का कर्तव्य होता है जहाँ जो चीज़ गलत दिखाई दे उसका घोर विरोध करना चाहिए। आप लोगों ने देखा है ये वैष्णो धाम पवित्र मंदिर यहाँ पर है, और उसके अलावा खाटू श्याम का मंदिर बनने जा रहा है। इस साइड में, दक्षिण साइड में नीम करोड़ी बाबा जो विश्व विख्यात हैं, यानी अच्छे अच्छे इनके अनुयायी यहाँ पर आते हैं, धार्मिक स्थल है, लेकिन गंदगी का आप साम्राज्य देख रहे हैं। पुल के नीचे एक बजे पुलिस चौकी बिल्कुल गलत तरीके से बनाई गई है, इसका स्थानांतरित करनी चाहिए, और उसमें जो भी जिम्मेदारी NHAI की है, चाहे PWD की है, या जिसकी शासन स्तर से जिसकी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनसे भी अगर सहयोग चाहेंगे तो वो सहयोग करेंगे, इससे स्थानांतरित कर दी जाए, जगह मिल जाएगी अगर अच्छे सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आपने देखा है दो रोड बने हुए हैं पुल के नीचे, एक निकलने का, एक जाने का, एक आने का। अब देखिए अगर इधर से जाएंगे तो ये पूरा जाम है, यहाँ पर पूरा जाम लगा रखा है, उल्टे सीधे वाहन, ट्रक, मेटाडोर और तमाम खचाड़ा वाहन इकट्ठे कर रखे हैं एक्सीडेंटल। इसी के साथ साथ गंदगी आपने देखी होगी, पुलिस चौकी का जो बोर्ड लगा है बिल्कुल वो सामने रोड पर है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, वो भी कभी इनका ध्यान आकर्षित नहीं कराते हैं कि इस गंदगी के लिए हम शासन स्तर से करें। लेकिन कौशल किशोर उपाध्याय ने ये संकल्प ले रखा है, स्मार्ट सिटी कब से कहा जा रहा है, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी, हमारे मोदी जी का कितना अच्छा सपना था कि स्वच्छ भारत रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वस्थ भी रहते हैं। योगी जी का कितना अच्छा मिशन है, अब योगी जी मोदी जी यहाँ तो देखने नहीं आएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सर्वनाश कर रखा है, केवल झूठे आंकड़े पेश करते रहते हैं और जनता को गुमराह करते रहते हैं, अरबों खरबों का साम्राज्य इन लोगों ने स्थापित कर लिया है। लेकिन जैसे ही हम फिरोजाबाद से एंट्री करते हैं आगरा से तरफ, तो यहाँ पर जब वाहन चढ़ने के स्थान पर बोर्ड भी नहीं लगा है, लेकिन कौशल किशोर उपाध्याय बोर्ड भी लगाएगा कि ये फिरोजाबाद के लिए है, ये आउटसाइडर है, आप उधर से आइए इटावा की तरफ से, तो लोग उल्टे सीधे चढ़ जाते हैं वहाँ पर। ये भी नहीं है इंडिकेट करने के लिए फिरोजाबाद के लिए एरो लगा दिए जाएं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अच्छे से भव्य गेट बनाए जाएं जिससे एंट्री होती है, हमने देखा है बरेली वगैरह में, तो वहाँ पर भव्य गेट बनाए जा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि का नैतिक कर्तव्य बनता है, लेकिन समाजसेवी के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है इस गंदगी को या तो NHAI या तुम्हारा ये क्या कहते हैं PWD या आपका ये तुम्हारा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, जो तमाम तरह के टैक्स लेते हैं उनका भी, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों को यहाँ पर सौंदर्य कराने का काम करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि सारा श्रेय लूटते हैं, हमारे विधायक फिरोजाबाद और
ये जनप्रतिनिधि टूंडला क्षेत्र में आता है तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है। सभी लोग इस फिरोजाबाद के रहने वाले सम्मानित लोग हैं, सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाएं। निश्चित रूप से अगर इसको गौर नहीं किया गया और तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन करने के बाद समाधान तो होना ही होना है। हम संकल्प लेते हैं, उसे काम कराने का प्रयास करते हैं। आप सभी चैनल वाले भाइयों से भी कहेंगे कि आप भी फिरोजाबाद के मूल निवासी हैं, यहाँ पर आप लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जिस चीज़ को पीछे पड़ती है, समाधान होता है। साधन प्रसाधन को निश्चित रूप से समाधान कराना पड़ता है। आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ये फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसका सौंदर्यीकरण कराए। पैसा देने के लिए नहीं है, इस पर टैक्स लगाया, उस पर टैक्स लगाया और आरामखोरी में चला गया। औद्योगिक नगरी है तो इनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसको सौंदर्यीकरण कराए। अर्जुन कौन सी जगह है ये? फिरोजाबाद राजा का ताला वैष्णो धाम। अच्छा, क्या किस तरह की यहाँ दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें यहाँ पर बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सालों से यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है और इस पर ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही कोई नगर निगम ध्यान दे रहा है। तो बहुत सारी गंदगी पड़ी है और प्रशासन आता है अपनी कह के चला जाता है। यह माना जाता है यहाँ कई मंदिर भी हैं, हाँ, और फिर भी साफ सफाई नहीं है। स्थान भी है यहाँ पे, बाहर से टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, मगर ये यहाँ पे ऐसी साफ सफाई नहीं है, तो इसलिए बाहर के लोग भी आते हैं तो वो इस चीज़ को देख के नाराज़गी जताते हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रशासन क्या कहना चाह रहा है और क्या कर रहा है, इसको ध्यान ही नहीं दे रहा साफ सफाई। कुछ यहाँ मालूम पड़ता है कि मंदिर भी है, कुछ अवैध होटल भी चल रहे हैं। हाँ, अवैध होटल भी चल रहे हैं, प्लस यहाँ वैष्णो धाम भी है, बहुत पुराना वैष्णो धाम है। माना जाता है वहाँ अवैध होटल है, देह व्यापार का चलता है, यहाँ बिल्कुल चलता है। एक दो बार छापे भी पड़े हुए हैं और इस पर प्रशासन किसी को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भैया किस तरह का ये मामला है, या गंदगी देखने को मिल रही है, क्या मामला है? देखिए गंदगी तो आप लोगों को ही दिखाई दे रही होगी, मुझे ही नहीं खाली दिखाई दे रही है गंदगी है या नहीं है। यहाँ पर गंदगी का विस्तार लगा हुआ है और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ एक पवित्र मंदिर है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में वैष्णो देव मंदिर से नाम माता जी के जाना जाता है, और नीम करौली बाबा रास्ता इधर से गया है। फिर भी देखिए जो हमारे धार्मिक स्थल इतने जब सुंदर इनके नाम है, जब माता का नाम लेते ही कहें शरीर में पूरी पवित्रता सी हो जाती है, तो आप बताइए एक वाणी के साथ कैसी जगह गंदगी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए हम सब लोग एक दूसरे व्यक्तियों का, जैसे जो जनता होती है वो हमारी भाई बहन होती है। मैं अपना तुम्हें परिचय दे दूँ, आपने तो पूछा नहीं। मेरा नाम अभय कुमार यादव है, मैं किसानी भानु से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, मैं किसान नेता हूँ। मगर किसान नेता किसी का कोई भाई होता है, किसी का कोई चाचा, कोई रिश्तेदार, ये फिरोजाबाद की जनता पूरी हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा घर है। देखिए हम घर में गंदगी नहीं रहने चले देंगे। आदरणीय असम्मानित हमारे मोदी जी, उनने जो मिशन चलाया है उससे अगर हमारे प्राण भी चले जाएँ फिर भी वो हमें शिकार है, मगर हम गंदगी कोने कोने नहीं रहने देंगे। प्रत्येक जगह हम सफाई का पीड़ा उठाया है वो हम बरकरार रखेंगे। जय हो गंदगी। देखिए मैं कौशल के